कथा का अर्थ है सब कुछ भूल के आप एक हो होके कथा को सुन रहे हैं सम्मान कर रहे हैं अगर कोई व्यक्ति श्रोता वक्ता को ध्यान से नहीं सुनता तो इसका मतलब है कि वक्ता का अपमान है उस जो पूरे जो ग्रंथ है उसके प्रति भी अपमान है अगर आपका ध्यान नहीं है उस तरफ तो आप इमेजिन कीजिए आप प्रधानमंत्री के सामने बैठे हैं हाँ जी और आप उनकी बात को सुन ही नहीं रहे बीच में प्रधानमंत्री बैठे हैं आप कभी भी किसी से भी मिलने जा रहे हैं आपने फोन उठाया फोन पर बात करने आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते अगर आप करेंगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा उनके सामने से और हमें लगता है कि हम भगवान का कार्य कर रहे हैं सामने भगवान बैठे हैं लेकिन एहसास नहीं है कि भगवान बैठे हैं हम कुछ भी कर रहे हैं मन में बुरे विचार आ रहे हैं अच्छे विचार आ रहे हैं ध्यान है या नहीं है तो इस प्रकार से कथा नहीं होनी चाहिए एक व्यक्ति आता है आपको बताएगा भागवतम का क्या अर्थ है कि ये बताता है कि आप ये शरीर नहीं हैं ये आत्मा है जन्म मिला है जन्म मिला है आपको आत्म साक्षात्कार के लिए और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए इस संसारी जो वस्तुएं विषयों के पीछे नहीं भागना चाहिए क्या क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे इस प्रकार का एक बखान करते हैं उसमें आपसे जो कथा करता है वो लाखों करोड़ों रुपए ले, ले लेता है तो आप समझिए खुद अपने यहाँ से बुद्धि पे अप्लाई करके देखिए क्या आपको इस प्रकार की कथा सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए आज भी भारत देश में बहुत महान संत है क्योंकि ये संतों की भूमि है लेकिन ऐसा भविष्य पुराण में कहा गया है कि कल युग में गली गली में गुरु निकलेंगे और ये गुरु उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने देखा था काल नेमी को रामायण के अंदर वो तो था साधु के वेश में साधु के वेश में था हैं भगवान श्री राम का नाम ले रहा था लेकिन किस लिए भगवान साधु के वेश का इस्तेमाल भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल और सेवा किसकी थी रावण की राक्षस की तो इसी प्रकार से कलयुग में ऐसा भी संभव है कि ज़्यादातर जो साधु वेश में हैं जो बड़े बड़े व्यक्तित्व व्याख्यान करते हैं ऐसा हो सकता है कि वो उनका आचरण उस तरीके से ना हो वो सिर्फ एक धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी दुकान को चलाने के लिए अपने साम्राज्य को चलाने के लिए तो आपसे अनुरोध है भगवान श्री कृष्ण से आप प्रार्थना कीजिए वो आदि गुरु हैं वो आपको कभी भी किसी गलत व्यक्ति के पास नहीं जाने देंगे अगर आप भ्रमित भी होते हैं तो भ्रम का खत्म करने वाले भी भगवान श्री कृष्ण हैं कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार जहां कृष्ण वहां नहीं है माया का अधिकार तो जहां भी कृष्ण होंगे वहां माया नहीं आ सकती जहां भी कृष्ण होंगे वहां आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता आपके पास विवेक सदैव जिंदा रहेगा और जब विवेक होता है तो विवेक का अर्थ है कि हमें सही और गलत की पहचान होती है उसके साथ साथ इतनी प्रबल इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति भी होती है कि हम सही रास्ते पर चल भी सके कई लोगों को पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं ये चीज सही है लेकिन इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है वो गलत पे ही रहते हैं सही पे नहीं चल पाते तो कामना करनी चाहिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से क्या कि प्रभु मुझे अपने शरण में रखिए और एक सदगुरु दीजिए जीवन में गुरु का अर्थ केवल यह है कि वो आपको सिर्फ भगवान की बात करेगा गुरु आपसे एक एक अपेक्षा करता है कि आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे गुरु आपसे ये अपेक्षा कभी नहीं करेगा आप उसे कितना धन दे रहे हैं गुरु आपसे कभी अपेक्षा नहीं करेगा कि आप चोरी कर रहे हैं संसार में डाका डाल रहे हैं लोगों की बदुआएं ले रहे हैं और वहां से पैसा जो लूट रहे हैं उसमें से दो तीन परसेंट गुरु को दे देंगे गुरु आपसे कभी ऐसी अपेक्षा नहीं करेगा क्योंकि आप देखिए परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी को सात अधिन सार सिर्फ हरिकथा कोई फालतू का काम नहीं बीच में क्यों गुरु का कार्य है कि अपने शिष्य को केवल भगवान से मिलवाना गुरु का और कोई कार्य नहीं गुरु का काम नहीं है कि वो आपको बच्चे गुरु का काम नहीं है कि वो आपको काम धंधा ठीक करे गुरु का काम ये नहीं है कि आपकी वो शादी करवाए गुरु का काम ये नहीं है कि आपको संसारी के किसी भी तरीके के पंगों से निकाले ऐसा अगर कोई गुरु होगा वो आपको पंगों से नहीं निकालेगा संसार की जो व्याधियाँ हैं उसमें और ज्यादा लिप्त करवाएगा क्योंकि गुरु का कार्य केवल एक है कि आपको ये ज्ञान दे आपको ये एक साक्षात्कार दे कि आप ये शरीर नहीं है आत्मा है और आपका परमात्मा से संबंध है उस आगे बढ़िए भगवत गीता बोलती है तद विधि परिपाते न परिप्रश् न सेव उप शांति ज्ञानम ज्ञानी ना सतर्शी ना द पर्सन सीन द ट्रूथ विल इन दैट द ट्रूथ इन योर हार्ट किसके जो व्यक्ति गुरु के पास जाएगा गुरु की सेवा करेगा सेवा का अर्थ है कि जो गुरु आपको आदेश दे उसका पालन करना सेवा करते ये नहीं कि जब भी जाने गुरु के पास फलों का टोकरा ले गए हार ले गए दस लाख रुपए ले गए सौ करोड़ रुपए ले गए कुछ भी ले गए गुरु नहीं चाहेगा आपसे कभी भी गुरु कभी भी नहीं चाहेगा गुरु का एक ही कार्य है कि जो गुरु आपको बोलते हैं कि आप सच्चे रास्ते पर चलिए धर्म पे चलिए तपस्या कीजिए यज्ञ कीजिए दान कीजिए आपको उस कार्य को करना है और उस पर आप जब चलेंगे तो वही गुरु की सेवा है गुरु आपको स्वीकार करता अपना शिष्य कृष्ण के बिहाफ पे क्योंकि आदि गुरु तो कौन है कृष्ण है गुरु कभी भी आपसे अपेक्षा और कुछ नहीं करेगा केवल एक अपेक्षा है कि आप भक्ति में आगे बढ़े बस बाकी सब एक फेक संबंध है गुरु का कार्य है कि जब आप ये शरीर छोड़े उससे पहले आपको अनुभव हो जाए कि आप भगवान से के अंश हैं और आपको भगवान से मिलना है बस और कोई कार्य गुरु का नहीं है तो अगला इसमें एक और पॉइंट है कि जब भी आप भागवत कथा सुने ध्यान से सुनिए एक जगह बैठ के सुनिए कुछ पीछे गिटार सितार तबला बजवाने की जरूरत नहीं है शांति पूर्वक सुनिए अगर आपके जो गेस्ट आ रहे हैं उनको भी पहले बताइए कि आपको आना है तो जी टाइम पे आइए वरना मत आइए आएंगे शुरू कथा के शुरू में आप शुरू होने से पहले बैठेंगे और शुरू होने के बाद आप जाएंगे हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे कम से कम संसारिक हम कार्य संसार में पूरे संसार में फॉर्मेलिटी करते हैं कम से कम भगवान के सामने फॉर्मेलिटी ना करें क्योंकि अगर भगवान ने आपसे फॉर्मेलिटी करी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे कम से कम भगवान के संग हम धोखाधड़ी ना करें अपने आप से धोखाधड़ी ना करें कथा का कर, लक्ष्य समझिए कि ये कथा क्यों करवाना चाहते हैं आप पुण्य अर्जित करना चाहते हैं अपना अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत आप बहुत धार्मिक हैं क्या करना चाहते हैं कि भगवान वास्तविक भगवान की प्रसन्नता के लिए कथा कर रहे हैं आपको सबसे पहले अपना हृदय से समझना पड़ेगा कि लक्ष्य क्या है कथा करवाने का उद्देश्य क्या है कथा करवाने का और फिर उस हिसाब से प्रार्थना कीजिए सही समय आने पे भगवान आपको सही गुरु भी देंगे ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी चले गए गुरु बना लिया और बस हम गुरु जी के पास जब से गए उस दिन से तो हमारे घर में सुख शांति आ गया हमारे काम धंधा व्यापार बढ़ गया तो ये भौतिक एक, एक मानसिकता है आप अभी सही सदगुरु से नहीं मिले इसका मतलब कभी भी कथा करके पैसा नहीं कमाना चाहिए धर्म को नहीं बेचना चाहिए जो व्यक्ति धर्म से पैसा कमा रहा है वहाँ पर जहाँ पर भी व्यवसाय आ जाएगा वहाँ पर प्रेम नहीं टिक पाएगा कभी भी हमें इसे समझना चाहिए ओके अब भगवत गीता क्या है सबसे पहले समझेंगे हम भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आपको युद्ध करना है अधर्म के खिलाफ हाँ जी अधर्म जहाँ पर वो होगा वहाँ पर कृष्ण नहीं होते और धर्म जहाँ पर है स्वयं भगवान वहाँ पर है धर्म स्वयं भगवान ही है अब अर्जुन बोलते हैं ये तो मेरे सारे रिलेटिव्स हैं मेरे इसमें तो गुरुजन हैं मेरे इसमें भाई हैं बंधु हैं तो मैं इनको कैसे मारूं भगवान ने बोला कि अगर आप धर्म के रास्ते पे हैं तो सिर्फ धर्म से ही आपका एक रिश्ता होना चाहिए धर्म की सेवा ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए उसके बीच में कोई भी संबंध आए तो उसको त्याग कर दीजिए और आप उसको खत्म कर दीजिए क्षत्रिय का काम है धर्म की स्थापना करना आज की भाषा में हम बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं हमारी आर्म फोर्सेस हाँ जी इसी प्रकार से अर्जुन को बोला कि आप धर्म की स्थापना कीजिए ये जो सारे लोग हैं इसमें अर्जुन ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल आप ही का इन्होंने राज्य पाठ को लिया है इन्होंने अधर्म किया है अधर्म की स्थापना करी है आप अपने लिए नहीं धर्म की स्थापना के लिए इस युद्ध को करेंगे आप मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे आदेश को मान के युद्ध को करेंगे तभी कुरुक्षेत्र के अंदर फिर भगवान ने अर्जुन को बताया अर्जुन का अर्थ है कि भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको हर एक जीव को हर एक हर एक इंसान को ये बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जो भौतिक जीवन है उसे आध्यात्मिक जीवन में बदलना चाहिए रेगुलेट करना चाहिए अगर आप सच्चे दृष्टि से भगवत गीता को समझेंगे तो भगवान इसमें डायरेक्टली बोल रहे हैं कि एक भक्त को वो भक्त कौन जो बोलता है कि मुझे कृष्ण से प्रेम है वो एक भक्त जो बोलता है कि मुझे मेरे इष्ट हनुमान जी हैं वो भक्त बोलता है कि मेरी इष्ट देवी देवी माँ है वैष्णो देवी हैं तो वो भक्त को बताता है भगवान यहाँ पर भगवदगीता में कि किस प्रकार से उसे खाना चाहिए किस प्रकार से उसे देखना चाहिए किस प्रकार से उसे सुनना चाहिए गीता का अर्थ है कि जो दैनिक कार्य हैं जो आपका जीवन जीवनचर्या है उसको कैसे करना चाहिए भगवान के अनुसार अगर आप मानिए एक ऑफिस में जाते हैं जब उस ऑफिस में जब आप जाएंगे तो उस ऑफिस में वर्दी भी आपको एक प्रोटोकॉल के तहत ऑफिस वाले बताएंगे वहाँ पर आपको क्या कार्य करना है वो भी आपको बताएंगे किस टाइमिंग में आना है वो भी आपको बताएंगे ऐसा नहीं है कि मैं तो जी ऑफिस जा रहा हूँ जो मेरे मन में आएगा मैं वैसा कार्य कर लूंगा ऐसा नहीं होता अगर आप चाह, कहलाते हैं कि आप भगवान के भक्त हैं तो आपका जीवन पूर्ण रूप से समर्पित होगा किसको भगवान को जो आदेश है उनके प्रति किस प्रकार से बोलना है किस प्रकार से सुनना है किस प्रकार से देखना है क्या खाना है किन से मिलना है कौन अपने हैं कौन अपने नहीं हैं किन के करीब जाना है किन से दूर जाना है ये सब भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं भगवत गीता ये नहीं है कि बस आपने ये जाना कि ओके भगवान बोल रहे सब कुछ छोड़ के आ जाओ मेरी शरण में पता ही नहीं कि क्या करना है किसको छोड़ के आना है ये भी नहीं पता तो आज हम समझते हैं इसे सबसे पहले आज हम जानेंगे कि एक भगवान का भक्त कौन होता है उसके लक्षण क्या है एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति गया डॉक्टर सबसे पहले उस व्यक्ति के लक्षण को देखता है कि लक्षण के आधार पर पता चलता है कि उसको बीमारी क्या है किस तरीके की बीमारी है इसका उपचार कैसे होगा पहले हम सुनते होंगे संसार में एक व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई घर वाले बोले हम हर तरीके के डॉक्टर के पास गए लेकिन बीमारी का पता ही नहीं चल सका जब तक हमें बीमारी नहीं पता चलेगी तो उसका उपचार भी नहीं पता चलेगा बीमारी के उपचार के लिए सबसे पहले पता चलना चाहिए कि बीमारी क्या है जिसे बोलते हैं डायग्नोज होना चाहिए कि क्या है इसको डिसीज कौन सी है उसके आधार पे आपको एक ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो आज हम इसे पढ़ेंगे उपदेशामृत का पहला श्लोक का पहला श्लोक बोलता है धीरा सर्वम अपी मृथ्वी पृथ्वी सा शिश्यात। ये बता रहे है कि गुरु की क्वालिफिकेशन क्या होती है भक्त की क्वालिफिकेशन क्या होती है वो व्यक्ति वो व्यक्ति जो अपने बोलने की जो इच्छा है तीव्रता है उसकी बोलने की जो इच्छा है उसको नियंत्रित रखता है एक क्वालिफिकेशन है कि मतलब कि एक भक्त को अगर आप बोलते हैं कि आप कृष्ण जी के भक्त हैं अगर आप बोलते हैं कि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके जो ईष्ट हैं आपके जो आराध्य हैं वो आपसे चाहते क्या हैं आपके घर में छोटा बच्चा गाली देता है तो पूरे घर उसके पीछे पड़ जाते तो उसको धमकाया जाता है पहली बार में फिर मारा भी जाता है कि अब आप शब्दों का प्रयोग ना करें क्यों आप उससे प्रेम करते हैं क्यों वो आपकी एक परिवार का सदस्य है आप उसे मानते हैं वो आपको मानता है तो इसी प्रकार से अगर आप हनुमान जी को अपना मानते हैं और आप कहलाते हैं कि मैं उनका भक्त हूं तो आपको समझना पड़ेगा कि, कि किस प्रकार की भाषा का आपको प्रयोग करना है संसार में अगर आप गाली ग्लोज करेंगे अगर आप अश्लील बातें करेंगे आपको लगता है कि आपके इष्ट देवता आपके आराध्य देव आपसे प्रसन्न होंगे अब जाइए एक हजार मंगलवार को जाके हनुमान जी को चोला चढ़ाइए आप हनुमान जी को लड्डू बूंदी चढ़ाइए भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे अगर आपका आचरण शुद्ध नहीं है भगवान लड्डू के चोले के आपके मंगलवार के व्रत के भूखे नहीं हैं भगवान केवल यह चाहते हैं कि आपका समर्पण होना चाहिए किसके प्रति भगवान के प्रति वो कार्य करेंगे जिससे भगवान प्रसन्न होंगे भगवान प्रसन्न होंगे जब आपका बोलने का तरीका केवल उद्देश्य ये होगा कि किस प्रकार से आप भगवान को ग्लोरीफाई करें जैसे संसार में जब हम जाते हैं एक व्यक्तित्व तो से मिले उससे मिलने के बाद पता, पता चलता है ये बहुत अच्छे परिवार का एक व्यक्ति है इसके माँ बाप जरूर ही बहुत अच्छे लोग होंगे ये बहुत अच्छे एक परिवार से आया जहाँ पर इसे बहुत संस्कार मिले हैं हाँ जी तो आप हनुमान जी के भक्त हैं संसार में जाके आप लड़कियों की बातें कर रहे हैं स्त्रियों की बातें कर रहे हैं और यह हमने देखा है राधा रानी की कृपा रही कि मैं आठ साल के समय से एक इस कृष्ण भावना संघ से जुड़ा हुआ हूं तो हमने देखा हर एक संसार में एक एक व्यक्ति अंधे की तरह जिएगा तो उसे कुछ भी नहीं दिखेगा अगर किसी को महान बनना है जिसे बोलते आई क्यू जिन लोगों का भी आई क्यू बहुत अच्छा होता है जिन लोगों का भी महान व्यक्तित्व होता तो है उनमें एक बहुत अच्छा गुण होता है कि वो संसार को बहुत ध्यान से समझते हैं पढ़ते हैं और यहाँ पर बिठाते हैं Observation. First observe, then absorb. क्या absorb करेंगे? जो आपके लाभ के लिए चाणक्य पंडित बोलते हैं सोना अगर मल में भी गिरा हुआ है ना तो आप उसे उठा लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं सोना कभी भी खराब नहीं होता नहीं जी? हाँ आपका एक छोटा मोटा कोई साधारण सी वस्तु गिर जाए तो आप उसे फेंक देते हैं। सोना बहुत उसका मूल्य है सोना काले के हाथ से आ रहा है गोरे के हाथ से से आ रहा से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है दुबई तो भी, भी मिले नाली में भी गिरा हुआ मिलेगा उस सोने को भी उठा लेंगे तो आपको समझना चाहिए कि सोने की क्या वैल्यू है तो चाणक्य पंडित बोलते हैं अच्छी चीज कहीं से भी मिले उसे ले लीजिए क्योंकि सोना तो फिर इस इस जीवन के लिए काम आएगा जो अच्छी बात है वो तो पता नहीं कितने ही जीवन तक आपके साथ रहेगी तो इसको समझिए इस बात को एक व्यक्ति है जिसको भग, बोलता है मैं भगवान का भक्त तो उसको पता है कि वो ऐसे कार्य करेगा ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा कि जो संसार है बोलेगा हाँ देखो ये भक्तों वाली शैली है बोलने की इन्होंने आज तक कभी किसी को बदुआ नहीं दी आज तक कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला केवल अच्छी ही कामना करी है हम तो उस 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 संस्कृति के लोग हैं जहाँ पर बोला जाता है ओम सर्वे 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 हैद्राणी पश्यंतु माँ दुख भाग भवे जब हम किसी की मंगल कामना करते हैं तो केवल ये नहीं बोलते कि केवल ब्राह्मणों का माँ अच्छा कीजिए हे प्रभु केवल आप क्षत्रियो का अच्छा कीजिए या फिर शूद्रों का अच्छा कीजिए या फिर भारतवासियों का अच्छा कीजिए या फिर आप किसी एक व्यक्ति का अच्छा कीजिए हमारे ही परिवार का अच्छा नहीं हम तो जन कल्याण की बात करते हैं चाहे उसमें फिर कोई पाकिस्तानी है चाहे कोई बांग्लादेशी है चाहे कोई अमेरिकन है चाहे कोई कुत्ता है चाहे हाथी है चाहे कोई पेड़ है पौधा है एक भक्त का यह दृष्टिकोण होता है ओम सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्यतु भाग भवेद हर जगह सब सब कुछ अच्छा हो किसी के संग भी बुरा ना हो ये एक भक्त की मानसिकता होती है अगर आपको किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानना है तो आप इन आंखों से मत देखिए उसे अगर आपको देखना ही है तो उसको कानों से देखिए देखिए मैं नाम नहीं लूंगा किसी का एक जैसे हमारे देश में एक व्यक्ति है जब तक वो चुप रहा तो लोगों को लगा हाँ बहुत अच्छा व्यक्ति है बहुत बड़ा काम करेगा जब से वो बोलना शुरू कर रहा लोगों को लगा ये किसी काम का नहीं है बोलते ना मौनम मूर्खम आभूषणम जब तक एक व्यक्ति चुप है तो उसके बारे में संसार को नहीं पता चलेगा लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका वास्तविक व्यक्तित्व क्या है तो इसी प्रकार से वाचो वेगम मंसा क्रोधा वेगम एक धीर व्यक्ति धीर व्यक्ति जो कि अपनी जो भाषा है उसकी बहुत नियंत्रण में है उसे पता है क्या नहीं बोलना उसके साथ साथ उसको यह भी पता कि केवल क्या बोलना है इसमें भी जो संसार में होते तीन प्रकार के लोग होते हैं एक होता है कनिष्ठ अधिकारी एक होता है मध्यम अधिकारी एक होता है उत्तम अधिकारी एक कनिष्ठ अधिकारी है जैसे एक व्यक्ति है श्याम वो कनिष्ठ अधिकारी है श्याम क्या बोलेगा कि हां मुझे गाली गलोज नहीं करनी मैं को इतना पता है मुझे तो बस सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना है ये है कनिष्ठ अधिकारी एक है मध्यम अधिकारी मध्यम अधिकारी बोलेगा कि मुझे बहुत ज्ञान वाली बातें बोलनी है ऐसी बातें बोलनी है जिससे कि बहुत 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 जन कल्याण हो अच्छे कार्य हो और जो उत्तम अधिकारी होता है वो केवल वही वो बात करेगा जिसमें कि केवल भगवान की प्रसन्नता होगी उसको तो केवल इसी बात से प्र... मतलब है कि भगवान किस बात को बोलने में प्रसन्न होंगे किस बात से भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी उसका केवल एक ही एक ही उद्देश्य है जीवन में कि वो सारे कार्य करेगा बोलेगा सोचेगा जिसमें कि केवल भगवान की प्रसन्नता होगी ये है उत्तम अधिकारी जो महान भक्त होते हैं तब अब उसके बाद आ गया कि उसकी जो मनसा क्रोधा वेगम कि मन उसका कितना उसके कंट्रोल में है अब एक गुरु जी हैं बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे कि क्रोध नहीं करना चाहिए क्रोध के ऊपर उन्होंने आठ दिन का एक लेक्चर दे दिया घंटों घंटे क्रोध पे बोले जा रहे हैं सालों साल क्रोध पे बोल रहे हैं और जब उनका खुद के ऊपर एक परिस्थिति बनी तो इतना ज्यादा क्रोधित हो गए कि संसार देख के हैरान है कि गुरु जी तो बहुत बड़े क्रोध के ऊपर बड़े बड़े उपदेश देते हैं और आज गुरु जी कैसे इतने क्रोधित हो गए हैं अब उसके बाद आ गया जीवावेगम कि एक एक समय की बात है कि एक माता गई एक अच्छे व्यक्ति के पास गुरुजी के पास कि गुरुजी मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है इसको मना कीजिए कि उसके लिए नुकसान करता है मीठा खाता है आप इसे प्लीज मना कीजिए आपको बात को मानेगा ये गुरु जी बोलते आप इसे अगले हफ्ते लेके आइए फिर समझाऊंगा अगले हफ्ते गए तो गुरु ने बोला बेटा आप मीठा मत खाइए ठीक नहीं है माता ने बोला आप ये बात तो पिछले हफ्ते भी बोल सकते थे बोलते तब तक तो मैं खाता था तो कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति है जिसकी जवान जिसकी जो जवान है वो उसके पूरे नियंत्रण में है एक भक्त वो होता है जो कि भगवान के अनुसार ही खाता है कि उसे पता है तीन प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है तमोगुण से लिप्त रजोगुण से लिप्त और सतोगुण से लिप्त सतोगुण वाला पदार्थ वो हो होगा जिसमें बहुत ज्यादा कोई मसाला नहीं होगा एक सात्विक जिसमें बहुत ज्यादा उत्तेजक मसाले नहीं होंगे रजोगुणी मतलब बहुत ज्यादा खट्टा हो गया बहुत ज्यादा मसाले और तमोगुणी जिसमें कि मांसाहार होता है तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप भगवान के भक्त भग कहलाते हैं गुरु कहलाते हैं, हैं जी आप गुरु के शिष्य अच्छा कहलाना चाहते हैं तो ये तो मिनिमम ये पैरामीटर है कि जिसमें आपको पूरा करना ही पड़ेगा बोलते ना इतना तो नंबर लाने ही पड़ेंगे इतने नंबर तो चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए निन्यानवे प्रतिशत मतलब कम से कम छत्तीस नंबर तो ले आइए तो ये छत्तीस नंबर वाली बात हो रही है इसमें निन्यानवे की बात नहीं कर रहे हैं इतना तो योग्यता होनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति बोलता है हाँ मैं ठाकुर जी को मानता हूँ कितना मानता हूँ सारे गलत कार्य करता हूँ सोच में पूरे हर समय गलत विचार चलते खाने में भी बेधड़क गलत खाना खाता हूँ सुनने में भी बहुत गलत गलत गाने सुनता हूँ टीवी देखता हूँ मूवीज देखता हूँ ठाकुर जी को मानता हूँ ऐसा कैसा मानते हैं हाँ जाने से पहले मैं सुबह ऑफिस में एक उनको एक अगरबत्ती जला जाता हूँ जी आप इसका मतलब होता है मानता नहीं हो आप मानने का अर्थ है कि आप उसको प्रति समर्पित हैं उसके प्रति आपका पूरा का पूरा आदर है सम्मान है आदर सम्मान केवल ऐसे नहीं होता कि देख के नमस्कार कर दिया और बात कोई नहीं मानी जी ठाकुर जी बस फोटो में लगे रहिए आपको देख के एक बार सलाम कर दूंगा दिन में वो बहुत है इसी को मेरा आप समर्पण मानिए वो समर्पण नहीं कहलाता उसके बाद है क्रोध पे जिसको बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता है अब क्रोध पे भक्ति का मतलब है कि क्रोध नहीं करना चाहिए लेकिन भक्त को पता है कहाँ क्रोध करना है कहाँ नहीं करना ऐसा नहीं है कि आपको बोला गया कि क्रोध का त्याग कर दीजिए क्रोध तो करना पड़ेगा जहाँ ज़रूरत होगी एक भक्त को जितना मर्जी प्रताड़ित कर दीजिए वो अपने प्रति कभी भी एक आपका एक ऑफेंड नहीं होगा वो भक्त अपराध नहीं लेगा कभी भी लेकिन जैसे ही आप भगवान के विषय में गलत बोलते हैं तो वो उसको फिर स्वीकार भी नहीं करेगा फिर आपको उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा ये किसने सिखाया हमें हनुमान जी ने हनुमान जी को लंका में पकड़ा उनका बहुत उपहास किया बच्चे उनको नोच रहे थे कोई उनको उनके ऊपर कोई सामान उठा के फेंक रहा है कोई उनकी पूँछ खींच रहा है बहुत उपहास कर रहे थे बहुत ज़्यादा उपहास मतलब कि अगर आप इस कथा को ही सुनेंगे अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो पूरा विश्वास से मैं कह सकता हूँ आप रो सकते हैं कि हनुमान जी का कितना ज्यादा लंका में उपहास हुआ लेकिन जैसे ही लंका वासियों ने हनुमान जी सहते गए लेकिन जैसे ही लंका वासियों ने प्रभु श्री राम जो कि उनके सब कुछ हैं हनुमान जी का एक ही पहचान है वो है राम हनुमान जी की पहचान ये नहीं है कि वो बहुत अतुलित बलधाम है उनके पास अष्ट सिद्धि है नौ निधि वो उनकी पहचान नहीं है आज व्यक्ति को क्या लगता है ये मेरा घर ये मेरी कंपनी ये मेरे एक अच्छा चेहरा यही मेरी पहचान है क्यों क्योंकि हम अपने आप को ये शरीर माने बैठे हैं वी आर आइडेंटिफाइंग एज अ बॉडी दैट इज ओनली प्रॉब्लम दिस इज कॉल्ड माया माया वो जो नहीं है माया क्या होता है सिंपल सरल भाषा है माया की माया की एक परिभाषा है माया वो है जो नहीं है हम सोच रहे हम ये शरीर है जो कि हम नहीं है हम तो आत्मा है आत्मा का क्या है कार्य भगवान की सेवा करना जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास अब हनुमान जी का एक ही अभिमान है एक ही पहचान है वो है श्री राम जैसे ही श्री राम को उन्होंने गलत बोला फिर हनुमान जी ने बोला ओके अब तो बहुत हो गया सर अब आप तो आपको क्रोध भी देखना पड़ेगा पूरी लंका को जला दिया कुछ भी नहीं छोड़ा सर एक विभिषण महाराज के घर को छोड़ा था परम भक्त थे भगवान श्री राम के तो अगर कोई बोले कि नहीं आप तो भक्त हैं आप तो क्रोध नहीं करेंगे आपको तो क्रोध शोभा नहीं देता तो आपको देखना पड़ेगा कि क्रोध किस जगह पे करना है अगर आपके कोई इष्ट देवता को आपके भगवान को आपके ग्रंथों को कोई गलत बोलता है अपराध करता है तो उस समय आपको क्रोध का परिचय देना पड़ेगा हाँ आपको कोई कितनी मर्जी गाली देते उसको सहन करना चाहिए जब व्यक्ति सहन करता है तो उससे और ज्यादा उसके अंदर गंभीरता आती है और ज्यादा उसके अंदर प्योरिफिकेशन आता है शुद्धि होती है आत्मशुद्धि होती है तो गुस्से को भी कंट्रोल करना है जैसे एक होता है ना न्यूक्लियर रिएक्शन एक होता है फ्यूजन रिएक्शन एक होता है फ्यूजन रिएक्शन जो आज जिससे बिजली बनती है वो तो फिजन रिएक्शन दैट इज कंट्रोल्ड रिएक्शन उसमें आग जलाते हैं गर्मी पैदा होती है लेकिन सब कुछ वातावरण के कंट्रोल के अनुसार ऐसा नहीं है कि वो एकदम आग ही लग गई सब खत्म हो गया जल गया सब खत्म हो गया ऐसा नहीं है कुछ भी तो इसी प्रकार से गुस्सा होना चाहिए व्यक्तित्व के अंदर लेकिन आपको पता है कहाँ करना है कहाँ नहीं करना अपने ऊपर कभी भी कोई बात आए कभी गुस्सा मत कीजिए आपके भगवान के भक्तों के ऊपर बात आए आपके धर्म के ऊपर बात धर्म धर्म मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म का अर्थ है कि भगवान के प्रति जो समर्पण है वो ही एक धर्म है सबसे महान जाति क्या है क्या भगवान के भक्त हैं इससे बड़ी जाति कुछ नहीं हो सकती देखिए जातिवाद इतना फैला हुआ है कि भारत में उत्तर में जाइए इधर उधर जाइए बोलेंगे हम ये ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों के अंदर भी कैटेगरीज आ जाती है कि ये सबसे ऊंची कोटि के ब्राह्मण है फिर उससे नीचे के ब्राह्मण है फिर उससे नीचे के फिर उससे न... हर एक व्यक्ति चाहता है कि सबसे उच्च कोटि में उसका नाम जुड़े अगर आपको अपना नाम वास्तविकता में उच्च कोटि का जुड़ना है तो सारी जाति प्रथा से ऊपर उठिए और केवल अपने आप को अपनी पहचान बनाइए क्या राम के रूप में आपकी पहचान क्या है राम इसे हर दिन दोहराइए अपने दिमाग में कि मेरी केवल एक ही पहचान वो है भगवान श्री राम और भगवान श्री राम अगर आपकी पहचान है तो मतलब भक्त है भक्त से ऊपर कोई उपाधि नहीं हो सकती कोई जाति नहीं हो सकती अगर वास्तविकता आपको चाहिए जी तो आप आप क्या क्या करेंगे अपनी एक ही पहचान बनाएंगे वो क्या होगी कि आप भगवान के भक्त भक्त हैं और भक्त कौन होते हैं जिसके अंदर तीन गुण होते हैं जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा कि हर एक जीव के प्रति दया है हर एक जीव मतलब पेड़ पौधों के प्रति दया है जानवरों के प्रति दया है हर प्रकार के जीव जिसमें भी जीवन है उसके प्रति दया है हमारी संस्कृति तो यह बताती है कि बेजान चीज पे भी पैर लग जाए तो उसको भी प्रणाम कीजिए पृथ्वी पे भी जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि प्रणाम करके उठना है तो इतनी महान संस्कृति से हम आते हैं इस पर गर्व होना चाहिए हम सबको अब जिस व्यक्ति को रेगुलेटेड एंगर है रेगुलेटेड एंगर मतलब कि आपको गुस्सा है लेकिन आपको पता है कहां करना है कहां नहीं करना अब उसके बाद आ गया कि आपके जो इंद्रिय है इंद्रिय इंद्रिय का मतलब ये नहीं है कि किसी भी जानवरों की तरह किसी भी समय आहार निद्रा भय मैथुन के लिए हम लगे पड़े हैं जो जी जीवन तो निन्यानवे प्रतिशत जो इस पृथ्वी पे लोग हैं मानिए साढ़े सात सौ करोड़ लोग हैं तो इसमें से निन्यानवे प्रतिशत केवल आहार निद्रा भय मैथुन के पीछे ही लगे पड़े हैं जानवर भी यही कर रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुन ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग आप में और जानवर में फिर हम में और जानवर में क्या अंतर हुआ हम में और जानवर में यह अंतर हुआ कि हमारा सारा ये जो आहार निद्रा भय मैथुन है वो भगवत गीता के अनुसार है भगवान के अनुसार है आहार हम वो खाएंगे जो भगवान के ने बोला कि ये भक्तों का आहार होता है जैसे आप शेर को घास फूस नहीं खिला सकते खिलाएंगे तो क्या होगा शेर मर जाएगा हाथी को आप मीट नहीं खिला सकते खिलाएंगे तो हाथी नहीं खाएगा मर जाएगा तो इसी प्रकार से भक्तों का भी एक आहार होता है वो भगवदगीता में बता रखा है